प्रदीप जी जो वो सवाल रेज कर रहे हैं उस पर आप जवाब दीजिए। आईपीएफटी वर्सेस टिपरा मोटा, वो कह रहे हैं कि अगर 18 सीटें पिछली बार जीते थे ट्राइबल एरियाज में और इस बार उधर चला गया है तो फिर ये कैसे 36 से 45 आ रहा है। राजपूत जी को शायद ये पता नहीं है कि 18 जो सीटें बात कर रहे हैं, लेकिन आईपीएफटी जो है केवल 8 ही सीट जीती थी, 10 बीजेपी 8 ही सीट जीती थी, 10 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी। और दो बातें इसमें सही निकल के ये आ रही है कि देखिए जब भी गवर्नमेंट रिपीट होती है तो उसमें गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस तो होता ही होता है, वरना कभी कोई सरकार रिपीट नहीं होती। आप मैंडेट को चैलेंज नहीं कर सकते भले हमारे एग्जिट पोल में क्यों ना हो। और ये भी सही है कि पिछली बार बीजेपी और आईपीएफटी के ज्वाइंट मिला के 51% वोट थे जो अभी 45 दिख रहे हैं, तो उसके 6% वोट रिड्यूस हुए, कम हुए हैं। पर अब लेफ्ट और कांग्रेस का लाइंस है, लेकिन त्रिपुरा मोटा पार्टी उभर के आने से सीटें बड़ी आती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी की, उसका एक प्रमुख कारण यह है। लेकिन अगर त्रिपुरा मोटा का अलायंस हो गया होता कांग्रेस गठबंधन के साथ तो आपको लग रहा है कि स्थितियां बदल जाती या फिर अलग त्रिपुरा लैंड की मांग ही उनका मुख्य मुद्दा रही जी, तो इस वजह से ये नेचुरल अलायंस तो नहीं कहा जाता। नहीं देखिए कांग्रेस ने वो बात नहीं समझी। बिल्कुल सही कहा आपने, त्रिपुरा मोटा को यदि आप हमारे क्रॉस टैब में आगे जाएंगे कि किस समुदाय ने किसको वोट दिया तो आप पाएंगे त्रिपुरा मोटा को जो है 51-52% वोट मिल रहे हैं आदिवासियों के, लेकिन सभी बाकी जो जनरल ओबीसी मुसलमान सबके जो वोट है 10% से कम है, यानी ना के बराबर वोट मिल रहे हैं। क्योंकि सबका मानना यह है कि हम आदिवासी जब ये अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तो हम इनके साथ क्यों जाएंगे। लेकिन वहां पर जाकर जब मैंने रिपोर्टिंग की थी बुलेट रिपोर्टर में, हमने वो शो भी, ज्यादातर आदिवासी समुदाय के पास अगर आप जाएंगे तो त्रिपुरा मोटा के लिए एक अलग सेंटिमेंट था, लोग उनके पक्ष में मतदान की बात कर रहे थे, तो इसी वजह से उसी के चलते आप देखिए कि मेन अपोजिशन पार्टी बनने वाली है जो कि केवल 20 सीटों तक उनका वर्चस्व सीमित है, 60 में से 20 यानी 1/3, उसमें से 9 में से 16 सीटें यदि जीतते हैं तो मेन अपोजिशन पार्टी रहेगी कांग्रेस और लेफ्ट के पास। अपोजिशन लेकिन नहीं बन रहे हैं ना, नहीं किंग मेकर के कोई चांस नहीं क्योंकि 20 सीट में से। कोहली साहब के पास अब चलते हैं, कोहली साहब हमें बता रहे थे विकास विकास और विकास, लेकिन इन सब के बीच अगर विकास 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 और ही सिर्फ रहता तो ये दो एलपीजी सिलेंडर जो मुफ्त देने पड़ रहे हैं सर, उसकी नहीं सोचनी पड़ती, 5 रुपए में भोजन नहीं सोचना पड़ता, 6,000 जो मछुआरों को दे रहे हैं क्योंकि किसानों को जो आपने दिया है वो आपके लिए गेम चेंजर बना है यूपी जैसे राज्यों में, तो ये सब वजह थी क्या? और माना जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट को आप केटर कर रहे हैं 6,000 जब आप मछुआरों को दे रहे हैं, क्योंकि लगभग 18% एससी और एसटी लगभग 50% के आसपास पॉपुलेशन तो एससी एसटी का ही है वहां। अंजना जी ये ना डिबेट अच्छी डिबेट है जहां पर फ्रीबीज वर्सेस कि आपने सोचा या नहीं सोचा। आप एक चीज देख लीजिएगा, भाजपा की जहां जहां अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल है केंद्र में या राज्यों में, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे स्टेट के फाइनेंसेस अच्छे रहते हैं और हम इसको करते हैं पार्ट ऑफ द डिवेलपमेंट एजेंडा कि जिन लोगों को सपोर्ट चाहिए वो देते हैं, हम रेवड़ी नहीं बांटते ये देखकर कि पैसे कहां से आएगा। और मैं ब्लंटली कहता हूं एक यहां देश में नई पार्टी आम आदमी पार्टी, वो बांटते हैं और फिर कहते हैं कि केंद्र को पैसा देना चाहिए। अरे पंजाब में हम सब मुफ्त दे देंगे लेकिन केंद्र अब हमें पैसे दीजिए। हम बजट जो बनता है रिसोर्सेस कैसे जनरेट होते हैं उस रिसोर्सेज को स्पेंड करें, मुझे पता था कि आप वो हमारा अप्रोच है, अपनी पार्टी हुई रेवड़ियों को डिफेंड कर लेंगे, वकील हैं आप बहुत माहिर। लेकिन कोहली साहब ये बताइए कि क्या बीजेपी ने ये नायाब फॉर्मूला एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करने का खोज लिया है? बिप्लव देव को बदल लिया आपने, मतलब जस्ट बिफोर इलेक्शंस गुजरात हो कई राज्यों में आप ये कर रहे हैं, क्या ये नायाब फॉर्मूला अब आप लोगों को लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी जहां आप फेस करते हैं? जहां नहीं बदला वहां हार गए, हिमाचल प्रदेश हार गए वहां पर, तो ये आपने सटीक फॉर्मूला खोज लिया है? हिमाचल प्रदेश 0.9% प्रदीप जी, बहुत बहुत ही क्लोज मार्जिन है जी जी। तो मैं उसको, हालांकि सीट्स में उसकी कन्वर्जन हायर थी लेकिन वोट शेयर में बहुत कम मार्जिन है, मतलब ये आपके भी जो सेफोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर और मार्जिन इतना माइनर नहीं लेते, इसलिए आपका रेंज आता है 5-15 ऐसे, क्योंकि दिस इज एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थिंग टू, किसी भी तरफ जा सकता है, कांटे की लड़ाई होती है। नॉर्थ ईस्ट के कई सीटों में ये दिखता है इसलिए वहां रेंज में हम लोग भी बात करते हैं क्योंकि कई बार 5 वोट से कोई जीतता है, कोई 1 वोट से, कोई 50% 83.4% इसलिए वो अलग है, हाँ वो अलग है बिल्कुल। लेकिन नहीं नहीं मैं त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ, 83.4%। आपने हिंदुत्व का कार्ड भी खूब खेला, योगी आदित्यनाथ को आप यूपी से ले गए त्रिपुरा,
गजब आप लोग भी रंग भरते हैं चुनावों में। पिछली बार भी गए थे? नहीं नहीं, पिछली बार भी गए थे। तो पिछली बार वहां गोरखनाथ पीठ की बहुत मान्यता है। कैसे 13 लाख लोग हैं नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए जी। हमारे यहाँ हमारे सारे नेता कार्यकर्ता है, और ये हमारे यहाँ सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं जहां उनको रिक्वेस्ट करते हैं, होम मिनिस्टर हमारे अलग, मुख्यमंत्री हमारे, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये तो सब ये तो नॉर्मल है बीजेपी के लिए, कोई इसमें अद्भुत बात नहीं है।